हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसल्ट विद अमिता। अगर आप अपने बेबी को हेल्दी बनाना चाहती हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मज़बूत होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो भी खाता पीता है वो अच्छे से अगर उस डाइजेस्ट हो जाता है, अगर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो जो भी वो खाए पिएगा वही उसकी बॉडी को पहुंचेगा। अगर बच्चे की पाचन शक्ति मजबूत है तो बच्चा जो भी कुछ खाए पिएगा वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा जो उसकी बॉडी तक पहुंचेगा। और अगर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं सही है तो बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर हो जाएगा, उसका पेट नहीं सही रहेगा, उसको गैस बन सकती है, उसको कब्ज़ हो सकता है, बच्चा आपका बहुत दुबला पतला हो सकता है। कई तरीके की परेशानी आप अपने बच्चे में देख सकती हैं। इससे भी आप पता लगा सकती हैं कि आपके बच्चे की पाचन शक्ति मजबूत नहीं है। और अगर बच्चा खाने के बाद तुरंत ही पॉटी कर देता है तो भी हो सकता है कि बच्चे की पाचन शक्ति मजबूत ना हो। तो ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हो सकता है आपके बच्चे की पाचन शक्ति मजबूत ना हो। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे की पाचन शक्ति मजबूत नहीं है, उसका मैदा मजबूत नहीं है, वो कुछ भी खा पी रहा है, बच्चे को लग नहीं रहा है, बच्चे को गैस बन रही है, बच्चे को कब्ज़ हो जा रहा है, या वो खाते ही तुरंत पॉटी कर देता है, उसको उसके पेट में दर्द रहता है, तो उसे कैसे हम दूर करें कि बच्चे की पाचन शक्ति मजबूत हो जाए, बच्चा धीरे धीरे हेल्दी हो जाए। उसके लिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आपका बच्चा खाना खाए तो वो खाने को अच्छे से चबा कर खाए। और बच्चे छोटे होते हैं, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि बहुत कड़वा खाना मत बनाइए। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी अपने बच्चे को आप देंगी तो आप खुद देखेंगे कि बच्चा खाना खाएगा और वो खाने को चबाएगा नहीं, वो पानी से उसको अंदर उतार लेगा, निगल लेगा, क्योंकि उसको इतना कड़वा लगेगा कि वो चबाने के बजाय जल्दी से सोचेगा कि खाना अंदर चला जाए। इसलिए आप खाने को बच्चे के हिसाब से ही बनाएं, जिसे बच्चा टेस्ट लेके खा सके और उसको वो इंजॉय करे तो वो अच्छे से च्यूइंग करेगा तो बच्चे का खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और बच्चे को बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ना दें, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे को नहीं दें। आजकल एकदम से तो नहीं मना कर सकते हैं बच्चे को, कोई भी पेरेंट्स हो, एक बाहर की चीज़ें एकदम से नहीं अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आप बच्चे को घर में ही बना हुआ खाना खिलाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड बच्चे को देंगी तो उससे भी बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो सकता है और इससे बच्चे का लीवर गड़बड़ हो सकता है, तो बच्चा जो भी कुछ खाएगा वो सही से उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो यह हो सकता है कि वो खाने के बाद तुरंत पट्टी कर दे, उसको कब्ज़ रहने लगे, उसके पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए आप इस चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिए। और बच्चे की पाचन शक्ति मजबूत रहे इसलिए आप बच्चे को अजवाइन का पानी भी पिला सकती हैं, इससे ये बहुत फ़ायदा करता है, इससे बच्चे का पेट सही रहेगा, बच्चे को गैस नहीं बनेगी। मैं अपनी कई वीडियो में अजवाइन के पानी के लिए बता चुकी हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और आप छोटी वाली इलायची के बीज निकाल लीजिए और थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए और दोनों को पीस लीजिए, वो भी आप थोड़ी थोड़ी चुटकी लेके बच्चे को दे सकती हैं, इससे भी बच्चे की पाचन शक्ति मजबूत होगी और जो भी वो खाएगा वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा, तो इससे आपके बच्चे की सेहत बनेगी। और खाने में बच्चे को आप ऐसे आइटम ज़रूर दें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो। आप हरी सब्जियां बच्चों को ज़रूर दें, आप बच्चे को खाने में सैलड वगैरह ज़रूर दें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर होता है जो बच्चे के हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों में विटामिन सी होता है, वो आप बच्चे को ज़रूर दें, इससे भी बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा। कि बच्चे का मैदा कमज़ोर है तो आप उसको पुदीने की चटनी दे सकती हैं, उससे भी बच्चे को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हरी सब्जियों में पालक है, मेथी है, इस तरह की हरी सब्जियां दें, इससे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम तो मजबूत होगा ही और बच्चे को काफ़ी ढेर सारे पोषक तत्व भी मिल जाएंगे जो बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चों को फल ज़रूर दें खाने के लिए, क्योंकि फल में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। आप एप्पल है, गुआवा है, पपाया है, इस सब तरह के फ्रूट अपने बच्चों को ज़रूर दें, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। आप इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे की जो पाचन शक्ति है वो मजबूत हो जाएगी, बच्चे का खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी हेल्दी होने लगेगा। क्योंकि जब उसका खाना अच्छे से पचेगा, अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो एनर्जी में चेंज होकर आपके बच्चे की बॉडी में पहुंच जाएगा, जिससे बच्चे को ताकत मिलेगी और वो बहुत जल्दी हेल्दी होने लगेगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल बटन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच जाए।